शांति। आज 22 तारीख एक मास की मुरली है। मुख्य रूप से बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, बाप का पार्ट एक्यूरेट है, वो अपने समय पर आते हैं, जरा भी फर्क नहीं पड़ सकता। उनके आने का यादगार शिवरात्रि खूब धूमधाम से मनाओ। प्रश्न, किन बच्चों के विकर्म पूरे पूरे विनाश नहीं हो पाते? उत्तर, जिनका योग ठीक नहीं है, बाप की याद नहीं रहती है, तो विकर्म विनाश नहीं हो पाते हैं। योग युक्त न होने से इतनी सदगति नहीं होती है, पाप रह जाते हैं, फिर पद भी कम हो जाता है। योग नहीं तो नाम रूप में फंसे रहते हैं, उनकी ही बातें याद आती रहती है, वही देही अभिमानी रह नहीं सकते हैं। गीत है, ये कौन आया आज सवेरे सवेरे। ओम शांति। सवेरा कितने बजे होता है? बाबा सवेरे कितने बजे आते हैं? कोई ने कहा 3 बजे, कोई ने कहा 4 बजे, कोई ने कहा संगम पर, कोई ने कहा 12 बजे। बाबा एक्यूरेट पूछते हैं, 12 को तो तुम सवेरा नहीं कह सकते हो ना। 12:01 हुआ, 1 मिनट हुआ, तो एम अर्थात सवेरा शुरू हुआ। ये बिल्कुल सवेरा है। ड्रामा में इनका पार्ट बिल्कुल एक्यूरेट है, सेकंड की भी देरी नहीं हो सकती है। ये ड्रामा अनादि बना हुआ है। 12:01 जब तक नहीं हुआ है तो एम नहीं कहेंगे, ये बेहद की बात है। बाप कहते हैं, मैं आता हूँ सवेरे सवेरे। विलायत वालों का एम पीएम एक्यूरेट चलता है, उनकी बुद्धि फिर भी अच्छी है। वो इतना सतोप्रधान भी नहीं बनते हैं तो तमोप्रधान भी नहीं बनते हैं। भारतवासी ही 100% सतोप्रधान फिर 100% तमोप्रधान बनते हैं। तो बाप बड़ा एक्यूरेट है। सवेरे अर्थात 12:01 सेकंड का हिसाब नहीं रखते हैं, सेकंड पास होने में मालूम भी नहीं पड़ता है। अब ये बातें तुम बच्चे ही समझते हो, दुनिया तो बिल्कुल घोर अंधियारे में है। बाप को सभी भक्त दुख में याद करते हैं, हे पतित पावन आओ, परंतु वो कौन हैं, कब आते हैं, ये कुछ भी नहीं जानते हैं। मनुष्य होते हुए भी एक्यूरेट कुछ भी नहीं जानते, क्योंकि पतित तमोप्रधान है। काम भी कितना तमोप्रधान है। अभी बेहद का बाप ऑर्डिनेंस निकालते हैं, बच्चे काम जीत और जगत जीत बनो। अगर अभी पवित्र नहीं बनेंगे तो विनाश को पाएंगे, तुम पवित्र बनने से अविनाशी पद पाएंगे। तुम राजयोग सीख रहे हो ना, स्लोगन में भी लिखते हैं बी होली एंड बी योगी। वास्तव में लिखना चाहिए बी राजयोगी। योगी तो कॉमन अक्षर है, ब्रह्म से योग लगाते हैं वो भी योगी ठहरे। बच्चा बाप से, स्त्री पुरुष से योग लगाती है, परंतु ये तुम्हारा है राजयोग। बाप राजयोग सिखलाते हैं, इसलिए राजयोग लिखना ठीक है, बी होली एंड बी राजयोगी। दिन प्रतिदिन करेक्शन तो होती ही रहती है। बाप भी कहते हैं, आज तुमको गुह्यते गुह्य बातें सुनाता हूँ। अब शिव जयंती भी आने वाली है, शिव जयंती तो तुमको अच्छी रीत मनानी है। शिव जयंती पर तो बहुत अच्छी रीत सर्विस करनी है। जिनके पास प्रदर्शनी है, सभी अपने अपने सेंटर पर अथवा घर में शिव जयंती अच्छी रीत मनाओ और लिख दो, शिव बाबा गीता ज्ञानदाता बाप से बेहद का वर्षा लेने का रास्ता आकर के सीखो, बल बत्तियां आदि भी जला दो। घर घर में शिव जयंती मनानी चाहिए। तुम ज्ञान गंगाएं हो ना, तो हरेक के पास गीता पाठशाला होनी चाहिए। घर घर में गीता तो पढ़ते हैं ना, पुरुषों से भी माताएं भक्ति में तीखी होती है।
ऐसे कुटुंब परिवार भी होते हैं जहाँ गीता पढ़ते हैं, तो घर में भी चित्र रख देने चाहिए। लिख दे कि बेहद के बाप से आकर के फिर से वर्षा लो। ये शिव जयंती का त्यौहार वास्तव में तुम्हारी सच्ची दीपावली है। जब शिव बाप आते हैं तो घर घर में रोशनी हो जाती है। इस त्यौहार को खूब बत्तियां आदि जलाकर रोशनी करके मनाओ। तुम सच्ची दीपावली मनाते हो, फाइनल तो होना है सतयुग में। वहाँ घर घर में रोशनी ही रोशनी होगी, अर्थात हर आत्मा की ज्योति जगी रहती है। यहाँ तो घर घर में अंधियारा है, आत्माएं आसुरी बुद्धि बन पड़ी है। वहाँ आत्माएं पवित्र होने से दैवी बुद्धि रहती है। आत्मा ही पतित और आत्मा ही पावन बनती है। अभी तुम वर्थ नॉट पेनी से पाउंड बन रहे हो। आत्मा पवित्र होने से शरीर भी पवित्र मिलेगा। यहाँ आत्मा अपवित्र है तो शरीर और दुनिया भी इम्प्योर है। इन बातों को तुम्हारे में से कोई थोड़े हैं जो यथार्थ रीति समझते हैं और उनके अंदर खुशी होती है। नंबरवार पुरुषार्थ तो करते रहते हैं, ग्रहाचारी भी होती है। कभी राहु की ग्रहाचारी बैठती है तो आश्चर्यवत भागंती हो जाते हैं। बृहस्पति की दशा से बदल कर ठीक राहु की दशा बैठ जाती है। काम विकार में गया और राहु की दशा बैठी। मल्ल युद्ध होती है ना, तुम माताओं ने देखा नहीं होगा, क्योंकि माताएं होती है घर की घरेत्री। अब तुमको मालूम है भ्रमरी को घरेत्री अर्थात घर बनाने वाली कहते हैं। घर बनाने का अच्छा कारीगर है, इसलिए घरेत्री नाम है। कितनी मेहनत करती है, वो भी पक्का मिस्त्री है। दो तीन कमरा बनाती है, तीन चार कीड़े ले आती है। वैसे तुम भी ब्राह्मणिया हो, चाहे एक दो को बनाओ, चाहे 10-12 को, चाहे 100 को, चाहे 500 को बनाओ, मंडप आदि बनाते हो। ये भी घर बनाना हुआ ना, उनमें बैठ करके सबको भू भू करते हो। फिर कोई तो समझकर कीड़े से ब्राह्मण बनते हैं, कोई सड़ा हुआ निकलते हैं, अर्थात इस धर्म के नहीं हैं। इस धर्म वालों को ही पूरी रीति टच होगा। तुम तो फिर भी मनुष्य हो ना, तुम्हारी ताकत तो उनसे जास्ती है, ब्रह्मरी से। तुम 2000 के बीच में भी भाषण कर सकते हो। आगे चल करके 4-5 हजार की सभा में भी तुम जाएंगे। ब्रह्मरी की तुम्हारे से भेंट है। आजकल सन्यासी लोग भी बाहर विदेशों में जाकर कहते हैं, हम भारत का प्राचीन राजयोग सिखलाते हैं। आजकल माताएं भी गेरू कफनी पहन कर जाती है, फॉरेनर्स को ठग कर आती है। उनको कहती है भारत का प्राचीन राजयोग भारत में चल कर के सीखो। तुम ऐसे थोड़ी कहेंगे भारत में चल कर सीखो, तुम तो फॉरेन में जाएंगे तो वहाँ ही बैठ के समझाएंगे। ये राजयोग सीखो तो स्वर्ग में तुम्हारा जन्म हो जाएगा। इसमें कपड़ा आदि बदलने की भी बात नहीं है। यहाँ ही देह के सब संबंध भूल अपने को आत्मा समझ करके बाप को याद करो। बाप ही लिबरेटर गाइड है, सबको दुख से लिबरेट करते हैं। अभी तुमको सत्व प्रधान बनना है। तुम पहले गोल्डन एज में थे, अब आयरन एज में हो। सारी वर्ल्ड सभी धर्म वाले आयरन एज में हैं। कोई भी धर्म वाला मिले उनको कहना है, बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझकर मुझे याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे, फिर मैं साथ ले जाऊंगा। बस इतना ही बोलो, जास्ती नहीं। ये तो बहुत सहज है। तुम्हारे शास्त्रों में भी है कि घर घर में संदेश दिया, कोई एक रह गया तो उसने उलाना दिया
मुझे कोई ने बताया ही नहीं। बाप आए हैं तो पूरे पूरा ढिंढोरा पीटना चाहिए। एक दिन जरूर सबको पता पड़ेगा कि बाप आए हैं शांति धाम सुख धाम का वर्षा देने। बरोबर, जब ब्रिटिज्म था तो और कोई धर्म नहीं था, सभी शांति धाम में थे। ऐसे ऐसे ख्यालात चलने चाहिए, स्लोगन बनाने चाहिए। बाप कहते हैं, देह सहित सब संबंधों को छोड़ो, अपने को आत्मा समझकर मुझ बाप को याद करो तो आत्मा पवित्र बन जाएगी। अभी आत्माएं अपवित्र है, अभी सबको पवित्र बनाकर बाप गाइड बनकर वापस ले जाएंगे। सब अपने अपने सेक्शन में चले जाएंगे, फिर दैवी धर्म वाले नंबर वार आएंगे। कितना सहज है, ये तो बुद्धि में धारण होना चाहिए। जो सर्विस करते हैं वो छिपे नहीं रह सकते हैं, डिस सर्विस करने वाले भी छिप नहीं सकते हैं, सर्विसेबल को तो बुलाते हैं। जो कुछ भी ज्ञान नहीं सुना सकते उनको थोड़े ही बुलाएंगे, वो तो और ही नाम बदनाम करेंगे, कहेंगे ब्रह्मा कुमार कुमारी ऐसे होते हैं क्या, पूरा रिस्पॉन्ड भी नहीं करते हैं, तो नाम बदनाम हुआ ना। शिबाबा का नाम बदनाम करने वाले उच्च पद पा नहीं सकते हैं। जैसे यहाँ भी कोई तो करोड़पति है, पद्मपति भी है, और कोई तो देखो भूख मर रहे हैं। ऐसे बेगर्स भी आकर के प्रिंस बनेंगे। अभी तुम बच्चे ही जानते हो, वही श्री कृष्ण जो स्वर्ग का प्रिंस था वो फिर बेगर बनते हैं, फिर बेगर टू प्रिंस बनेंगे। ये बेगर थे ना, किसकी बात करते हैं बाबा, ब्रह्मा बाबा की। थोड़ा बहुत कमाया वो भी तुम बच्चों के लिए, नहीं तो तुम्हारी संभाल कैसे हो। ये सब बातें शास्त्रों में थोड़े ही है, शिव बाबा ही आगे बतलाते हैं। बरोबर, ये गांव का छोरा था, नाम कोई श्री कृष्ण नहीं था, ये तो आत्मा की बात है, इसीलिए मनुष्य मुझे हुए हैं। तो बाबा ने समझाया, शिव जयंती पर हरेक घर घर में चित्रों पर सर्विस करे, लिख दे कि बेहद के बाप से 21 जन्मों के लिए स्वर्ग की बादशाही सेकंड में कैसे मिलती है, सो आकर के समझो। जैसे दिवाली पर मनुष्य बहुत दुकान निकाल के बैठते हैं ना, तुमको फिर अविनाशी ज्ञान रत्नों की दुकान निकाल के बैठना है। तुम्हारा तो कितना अच्छा सजाया हुआ दुकान होगा, मनुष्य दिवाली पर करते हैं, तुम फिर शिव जयंती पर करो। जो शिव बाबा सबके दीप जगाते हैं, तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं, वो तो लक्ष्मी से विनाशी धन मांगते हैं, और यहाँ जगत अम्बा से तुमको विश्व की बादशाही मिलती है। ये राज बाप ही आके समझाते हैं, बाबा कोई शास्त्र थोड़ी उठाते हैं। बाप कहते हैं, मैं नॉलेजफुल हूँ ना, हाँ ये जानते हैं, फलाने फलाने बच्चे सर्विस बहुत अच्छी करते हैं, इसीलिए उनकी याद पड़ती है। बाकी ऐसे नहीं कि एक एक के अंदर को बैठ के जानता हूँ। हाँ, कोई समय पता पड़ जाता है ये पतित है, शक पड़ता है, उनकी शक्ल ही मायूस हो जाती है, तो ऊपर से बाबा भी केला भेजता है, इनसे पूछो। ये भी ड्रामा में नूंद है, जो कोई कोई के लिए बताते हैं, बाकी ऐसे नहीं सबके लिए बताएंगे। ऐसे तो ढेर है, काला मुंह करते हैं, जो करेंगे सो अपना ही नुकसान करेंगे। सच बताने से कुछ फायदा हो जाएगा, नहीं बताने से और ही नुकसान करेंगे। समझना चाहिए, बाबा हमको गोरा बनाने आए हैं और हम फिर काला मुंह कर लेते हैं।
ये तो है ही कांटों की दुनिया, ह्यूमन कांटे हैं, मनुष्य की बात है, वो स्थूल कांटों की बात नहीं है, मनुष्य की बात है। सतयुग को कहा जाता है गार्डन ऑफ अल्लाह, और ये है फॉरेस्ट अर्थात जंगल। इसीलिए बाप कहते हैं, जब जब धर्म की ग्लानि होती है तब मैं आता हूँ। फर्स्ट नंबर श्री कृष्ण देखो, फिर 84 जन्मों के बाद कैसा बन जाता है। अभी तो सभी आत्माएं तमोप्रधान हैं, आपस में लड़ते रहते हैं, ये सब ड्रामा में नोंद है। फिर स्वर्ग में ये कुछ भी नहीं होगा, पॉइंट्स तो ढेर के ढेर है, नोट करनी चाहिए। जैसे बैरिस्टर लोग भी पॉइंट्स का बुक रखते हैं ना, डॉक्टर लोग भी किताब रखते हैं, उसमें देख के दवाई देते हैं। तो बच्चों को कितना अच्छी रीत पढ़ना चाहिए, सर्विस करनी चाहिए। बाबा ने नंबर 1 मंत्र दिया है मन मनाभव, बाप और वर्षे को याद करो तो स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। शिव जयंती भी मनाते हैं, परंतु शिव बाबा ने क्या किया, जरूर स्वर्ग का वर्षा दिया होगा, उसको 5000 वर्ष हुए हैं, स्वर्ग से नर्क और नर्क से फिर स्वर्ग बनेगा। बाप समझाते हैं, बच्चे योग युक्त बनो तो तुम्हारे हर बात अच्छी तरह समझ में आएगी, परंतु योग ठीक नहीं है, बाप की याद नहीं रहती है तो कुछ भी समझ नहीं सकते हैं, विकर्म भी विनाश नहीं हो पाते हैं। योग युक्त ना होने से इतनी सदगति भी नहीं होती है, पाप रह जाते हैं, फिर पद भी कम हो जाता है। बहुत है, योग कुछ भी नहीं है, नाम रूप में फंसे रहते हैं, उनकी ही याद आती रहेगी तो विकर्म विनाश कैसे होंगे। बाप कहते हैं, बच्चे देही अभिमानी बनो। अच्छा, मीठे मीठे सिखी लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, शिव जयंती पर अविनाशी ज्ञान रत्नों का दुकान निकालकर सेवा करनी है, घर घर में रोशनी करके सबको बाप का परिचय देना है। दूसरी बात, सच्चे बाप से सच्चा होकर के रहना है, कोई भी विकर्म करके छिपाना नहीं है। ऐसा योग युक्त बनना है जो कोई भी पाप रह न जाए, किसी के भी नाम रूप में फंसना नहीं है। वरदान, सागर के तले में जाकर अनुभव रूपी रतन प्राप्त करने वाले सदा समर्थ आत्मा भव। वरदान, सागर के तले में जाकर अनुभव रूपी रतन प्राप्त करने वाले सदा समर्थ आत्मा भव। समर्थ आत्मा बनने के लिए योग की हर विशेषता का, हर शक्ति का और हर एक ज्ञान की मुख्य पॉइंट का अभ्यास करो। अभ्यासी लगन में मगन रहने वाली आत्मा के सामने किसी भी प्रकार का विघ्न ठहर नहीं सकता, इसीलिए अभ्यास की प्रयोगशाला में बैठ जाओ। अभी तक ज्ञान के सागर, गुणों के सागर, शक्तियों के सागर में ऊपर ऊपर की लहरों में लहराते हो, लेकिन अब सागर के तले में जाओ तो अनेक प्रकार के विचित्र अनुभव के रतन
प्राप्त करके समर्थ आत्मा बन जाएंगे। स्लोगन, अशुद्धि ही विकार रूपी भूतों का आवाहन करती है, इसीलिए संकल्पों से भी शुद्ध बनो। अव्यक्त स्थिति का अनुभव करने के लिए विशेष होमवर्क, बुद्धि रूपी पांव पृथ्वी पर न रहे। जैसे कहावत है कि फरिश्तों के पांव पृथ्वी पर नहीं होते हैं, ऐसे बुद्धि इस देह रूपी पृथ्वी अर्थात प्रकृति की आकर्षण से परे रहे। प्रकृति को अधीन करने वाले बनो, न कि अधीन होने वाले। ओम शांति, ओम शांति।